मेरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोलिक स्टेज के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी मूंग दाल के पनीर स्टफ चिल्ली, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को बना के जरूर से खाइएगा। आप देख रहे होंगे कितने क्रिस्पी कितने क्रंची ये मूंग दाल के चिल्ले बनके तैयार हुए हैं। किन बातों का ध्यान रखना है वो सब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल का चिल्ला बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल। मूंग दाल को लेके हमने अच्छे से धो लेना है। धुली हुई मूंग दाल का ही हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप छिलके वाली दाल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने दाल को धो के भिगो के रखेंगे और उसके बाद सारा छिलका उतारेंगे, तो उसमें जो मेहनत है थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए हम मूंग धुली दाल लेंगे। मूंग धुली दाल को हमने अच्छे से धोना है। धोने के बाद हम इस दाल को भिगो के रात भर छोड़ देंगे। सुबह हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे और बिल्कुल स्मूथ हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। मैंने इस दाल को रात भर भिगोया और सुबह पीस लिया है। बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमने इसका बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंडर में डाल के पानी। ग्राइंडर में जो भी दाल का पेस्ट है वो इसी में आ जाए। थोड़ा पानी मैं और ऐड करूँगी। हमें इसका एक पतला घोल चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम डोसा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये घोल जो है बनके तैयार है। आप इसकी विस्कोसिटी देख लीजिए, इससे ज़्यादा ये थिक नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा ये थिन भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो प्लेन चिल्ले भी बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही करारे ये दाल के चिल्ले बनके तैयार होते हैं। आप इसे दाल का डोसा भी कह सकते हैं विदाउट राइस। सिर्फ दाल का हमने इसमें इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं आज यहाँ कुछ स्टफिंग ले रही हूँ। मैंने यहाँ लिया है पनीर। पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये 150 ग्राम पनीर है। इसी में मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप किया है। अगर आप कच्चा प्याज नहीं खाना चाहते तो प्याज को हल्का सौते भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चिल्ले में एक बाइट में क्रंच के लिए कच्चा प्याज ही यूज़ कर रही हूँ। इसी में जाएगी 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, बहुत ही हल्का सा 1 पिंच के आसपास होगी रेड चिल्ली पाउडर, 2 पिंच मैंने लिया है चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक, यानी कि हमने इसमें डाला है पनीर में प्याज हरी मिर्च हरा धनिया नमक मिर्च और चाट मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी ये स्टफिंग जो है बनके तैयार है। आपके पास जो भी वेजिटेबल रहे आप उससे स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो बॉयल पटैटो भी ले सकते हैं, डोसा वाला मसाला बना के उसे भी स्टफ कर सकते हैं। ये हमारी रॉ स्टफिंग तैयार है। चिल्ले तैयार करने के लिए हम पहले तवा तैयार करेंगे। तवे को हमने अच्छे से गरम कर लेना है। गरम करने के बाद हम उसमें डालेंगे कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हैं। थोड़ा सा हमने उस पर ऑयल डालना है और ऑयल को हम करेंगे तवे पे स्प्रेड। ऑयल लगाने के बाद हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे। गैस जो है बिल्कुल लो रहेगा और हमने इस पर पानी इसके छींटे देके और किचन क्लॉथ से इसे क्लीन करेंगे। चिल्ला एक बार डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ऐसे ही हम लो फ्लेम पे इसे सिकने देंगे। जब ये पूरी तरह से ब्राउन हो जाए, जैसे कि अब साइड्स ब्राउन हो गई हैं, सेंटर भी ब्राउन हो गई है, दाल का जो कलर है पूरा चेंज हो गया है, इस स्टेज पे हम चिल्ले को टर्न करेंगे और हल्का सा दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। चिल्ला डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम करेंगे और जैसे ही थोड़ा सिकना शुरू हो जाए अगेन हम फ्लेम को लो कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाए हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को हमने सेंटर में ही रखना है। आप
चाहें तो इसके ऊपर नमकीन सेव यानी कि नमकीन जो भुजिया रहती है उसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। भुजिया का जो क्रंचीपन रहता है वो इसके टेस्ट को और इन्हेंस कर देता है। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक साइड से एंड फिर दूसरी साइड से और इस चीले को हम हटा लेंगे। अगेन तवे पे हम ऑयल फैलाएंगे और पानी का छींटा देके टेंपरेचर पे काम करेंगे। किचन टॉवल से इसे क्लीन करेंगे। तवे के टेंपरेचर को बिल्कुल डाउन करने के बाद ही हम घोल को डालेंगे। घोल को डालने के बाद हम टेंपरेचर को थोड़ा सा हाई करेंगे यानी कि मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर सेकेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सिकना शुरू हो जाएगा हम साइड में थोड़ा ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर डालेंगे और एक मिनट बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे ही हम इसे पूरी तरह से सेकेंगे। इससे जो चीला रहता है वो काफ़ी क्रिस्पी बनता है। एक तरफ से जब चीला पूरी तरह से सिक जाएगा तो इस तरीके से अपने आप से किनारे जो हैं वो छूटने लगते हैं। हम इसे टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। आप देख रहे होंगे कितने क्रिस्पी कितने क्रंची ये हमारे चीले बन के तैयार हुए हैं। तो तैयार है हमारे सुपर टेस्टी क्रिस्पी मूंग दाल के चीले। आप भी इसे बनाइएगा और अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।